थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जवाब नहीं तुम्हारा भी और तुम्हारे अंडों का भी। यार ये एक दर्जन अंडे भेजने की क्या जरूरत थी, अगर मुझे बुलाना ही था तो यूं ही बुला लेते। कहो क्या हुकुम? हुकुम? अरे हुकुम नहीं ब्रदर सुंदर, बिनती है बिनती। जब से उसे देखा है दिल किसी काम में नहीं लगता, दिमाग तो एकदम फेल हो गया है, किसी चीज में कोई फर्क ही समझ में नहीं आता है, न मुर्गी में न अंडे में, न फर्नीचर में न संडे में। आखिर बात क्या है? बात देखो भैया, तुमने अगर मेरी गेंजेस के साथ शादी नहीं करा है तो मैं खारे पानी के समंदर में कूद पड़ूंगा। कौन सी गेंजेस? वो जो हमारी मेहमान है, तो तुम उसमें नजर रखते हो? गरम होने की जरूरत नहीं, मैं सच्ची कहता हूँ, मैं उसे सच्चे दिल से चाहता हूँ। तो मरीज का हाल इतना बुरा है? अरे बहुत ही बुरा है, देख लो कंडीशन। लेकिन जैक्सन भाई, तुम्हारी बातों पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम बड़े दिल फेंक आदमी हो। एतबार मेरी बातों पर नहीं? अरे क्या कहते हो ब्रदर सुंदर, अरे सच्चाई के मामले में तो मैं 20th century का हरिश्चंद्र हूँ। बैठो 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 बैठो। देखो भैया, मुझे पहली बार प्यार का अटैक हुआ है, सांस कर दो नहीं तो कुंडा हो जाएगा। यार देखो जैक्सन, वो बेचारी गैंजेस का दिल पहले से ही टूटा हुआ, उसे एक आदमी ने धोखा दिया। अरे वो तो गधा था कोई। वो तो गधा है ही। अच्छा, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, उसे आदमियों से नफरत हो गई। नफरत? अरे भैया सब आदमी एक ही तरह थोड़े होते हैं। अरे मैं उसको जो चाहिए गारंटी देने को तैयार हूँ। तुम क्या गारंटी दोगे? जो तुम कहो। तो तुम्हें 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराना होगा। मंजूर। और वो इंश्योरेंस पॉलिसी गैंजेस के नाम पर रखनी होगी। मंजूर। और वो इंश्योरेंस की पेशगी 20,000 रुपए तुम्हें पहले देने होंगे। अरे ये भी मंजूर। अरे ब्रदर सुंदर, जब शाह जाने क्या कहता, वो नूर जहां के लिए कुतुब मीनार, ताजमहल। यार ताजमहल सही, तो क्या मैं अपनी गैंजेस के लिए 2 लाख की पॉलिसी नहीं ले सकता हूँ? तो फिर मैं सुबह पॉलिसी लाऊं? बिल्कुल ले आओ भैया, तुम कल सुबह पॉलिसी लाओ, कल शाम को मैं बारात ले आता हूँ। आइडिया कैसा है? अरे नहीं यार, अभी तो बैंड बाजे बजेंगे, बारात आएगी, नाच गाने होंगे, बड़े धूमधाम से शादी होगी। आखिर हमारे जैक्सन की शादी है, किसी घसियारे की थोड़ी है। प्लीज। क्या हुआ? अच्छा याद आया, गांव वालों को खबर ना होने पाए। अरे हाँ, नहीं तो गंगा और उसकी माँ को खबर हो जाएगी, है ना? मैं समझ गया। अरे समझ गए, समझ के मामले में दोनों ही समझदार हैं। तीसरे का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या कह रहे हो ब्रदर सुंदर?